हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में 2 रुपए 65 पैसे की तेजी देखने को मिली, और ये स्टॉक 4.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसे स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 3% की तेजी देखने को मिल रही है, 1 महीने में 10%, 3 महीने में 19%, परंतु 6 महीने में से स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली है, 1 साल के अंदर 2.5%, परंतु 2 साल में देखें तो इस स्टॉक में 21% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में 1 साल में अराउंड 2% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है, परंतु 3 महीने से इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसे स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बनता हुआ नजर आया, अराउंड 77 रुपीज, 77 रुपीज के इस स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक नीचे के लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 45 रुपीज, 45 रुपीज के से स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा, और यहीं से स्टॉक में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। आप इस स्टॉक का नीचे का एक फ्रेश सपोर्ट लेवल है अराउंड 62 रुपीज, 62 रुपीज के से स्टॉक में नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है, इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 62 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 76 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में फिर से ब्रेकआउट 76 रुपीज के बाद ही देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक 76 रुपीज का ब्रेकआउट देता है, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।